नमस्कार दोस्तों, मैत्री बुटीक में आज हम जो स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमने अपनी स्लीव्स की लंबाई रखी है 12 इंच, आगे से मोहरी को रखा 8.5। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए एक पट्टी हमने ली हुई है जिसके एक साइड हमने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लिया है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 6.5 इंचेस। यहाँ पर हमने कुछ लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। ये सभी लाइन्स 1 इंच की डिस्टेंस पर आपको इसी तरह से चौक की मदद से ड्रॉ कर लेनी है। अब इन सभी लाइंस को ड्रॉ किया है हमने ताकि हम इन पर पिनटेक्स बना सकें। तो हम इन सभी एक एक करके सभी लाइंस के ऊपर बिल्कुल किनारे से होते हुए पिनटेक्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक साइड से शुरू कर देते हैं और एक एक करके आपको इन सभी को बना लेना है। जो सभी पिनटेक्स होंगे हम बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई लगाएंगे, तो ये सभी हमारी बिल्कुल इक्वल बन करके तैयार होंगी। दोस्तों, ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स के साथ साथ ट्राउज़र की मोहरी पर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। दोस्तों, ये डिज़ाइन अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ही इनको पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ न्यू सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे सीविंग के वीडियोज़ हैं, जो बेसिक सीविंग वीडियोज़ हैं मेजरमेंट्स को लेकर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कितनी खूबसूरत से हमारी ये पट्टी बनकर के तैयार हो गई है। अब एक सिंपल पट्टी आपको लेनी है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। इस पट्टी को आपको यहाँ पर बीचों बीच में रख देना है। एग्जैक्टली इस तरह से आप रख लीजिए और यहाँ पर बीचों बीच से एक सिलाई लगा दीजिए जो कि इसके सेंटर के लिए है। ये हमारी रफ स्टिच है। अब यहाँ पर आपको 2.5 इंच का गैप रखते हुए कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये सभी मार्किंग हम अपने डिज़ाइन के लिए कर रहे हैं। अब किसी भी राउंड शेप की मदद से यहाँ पर आपको इस तरह से शेप्स बना देनी है। यहाँ पर आप कोई भी, जैसे बोतल का ढक्कन होता है वो यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी पिंस आती है डालने वाले उसका भी एक राउंड हो, आपका जो होल्डर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। अब सेम आपको नीचे वाले पोर्शन में भी बना देनी है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये बन करके तैयार हो गया है पैटर्न। इनको अब आपको सिलना है। तो जो शेप हमने बनाई है बिल्कुल सेम आपको शेप डालनी है। देखिए इस तरह से, जो ऊपर वाली एक है उसको पहले बनाएंगे और जो नीचे वाली है उसको बाद में बना लीजिए। इन दोनों के बीच में जब हम, देखिए इस तरह से टर्न ले रहे हैं, तो एक से दो स्टिच हम बीच में भी ले रहे हैं ताकि हमारी बाद में अच्छे से निकल कर आ जाए। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप बिना पेस्टिंग के ही इन जो झालर है उनको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए जो नीचे वाला पोर्शन है सेम काम आपको इसमें भी कर लेना है और बहुत ही इजी हो जाता है जब हम सेंटर के लिए पहले ही इसमें सिलाई अगर डाल देते हैं। देखिए ये तैयार हो चुका है, दोनों ही साइड हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेना है आपको, इसको कट करके बहुत ही ईजिली ये कट हो जाएगा। अभी ये काफ़ी आपको चौड़ा दिख रहा होगा सिलाई के बाद, तो इसको हमें अभी और कट करना है, लेकिन पहले इसको आप सेपरेट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ही आपको छोड़ना है, तभी आपकी शेप जो है अच्छे से निकल कर आएगी। और इसके साथ ही आप इसमें कट्स भी ज़रूर डालें छोटे छोटे। देखिए इस तरह से हमने दोनों ही पट्टियों को कट कर लिया है। अब इनको आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है। इन सभी को किसी भी इस तरह से नुकीली चीज़ से या फिर कैंची तो हमारे पास होती ही है, उसकी मदद से बहुत ही आसानी से ये सभी निकल कर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने दोनों ही साइड निकाल दी है और अच्छे से प्रेस भी कर दी है। अब इस तरह से इनको आपस में ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे मीडियम साइज़ के बीड्स सुई धागे की मदद से। देखिए यहाँ से आप लगाना शुरू करेंगे, यहाँ पर बीड को डाल दीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ से 3 से 4 बार आप इस मनके में से क्रॉस जरूर करें अपने धागे को, तभी ये आपका परफेक्टली अटैच होगा। देखिए इस तरह से हम इनको अटैच कर देंगे। लास्ट में आप यहाँ पर नोट लगा दीजिए। देखिए इसी तरह से आप यहाँ पर और इन सभी पर आपको इनको लगा देना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है, इसलिए फटाफट हम इसको कर देते हैं और फिर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा एक पैटर्न बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए अब इस डिज़ाइन को आगे बनाने के लिए हमें इस पैटर्न को अपनी स्लीव्स या फिर प्लाजो के नीचे जो मोहरी है वहाँ पर अटैच करना होगा।
यहाँ पर इस तरह से रखेंगे उल्टा करके और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। खाना कितना आसान दोस्तों इसको बनाना। हमने इस तरह के और भी डिज़ाइन देखे हुए हैं लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से आपको बताए जाते हैं, लेकिन इस सिंपल तरीके से हर कोई इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकता है। आप एक सिलाई यहाँ पर बिल्कुल किनारी से होते हुए लगा दीजिए जिससे आपकी बेहतरीन फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए हमने ये 1.5 इंच की चौड़ाई वाली एक पट्टी ली है और यहाँ पर रखते हुए आप इसमें सिलाई लगा दीजिए। दोस्तों इस तरह के नए नए डिज़ाइन हम आपके लिए काफ़ी लेकर आते रहते हैं, स्लीव्स के लिए, ट्राउज़र के लिए, नेक्स के लिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, साथ में घंटी वाला आइकन भी दिया हुआ है उसको भी दबा लीजिएगा। अब एक सिलाई यहाँ से भी लगाएंगे ताकि नीचे वाले पोर्शन में भी अच्छे से ये पट्टी सेट हो जाए और हमारी बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ ही डिज़ाइन बन करके तैयार हो। और ये डिज़ाइन हमारा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी हमारा साइड से एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन देखिए कितना आसान था इसको बनाना। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आप हमारे डिज़ाइन को पसंद करते हैं या नहीं। साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। इसके साथ दोस्तों हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, हमारी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।